हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहती हो सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट खोलने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन या आजकल तो अकाउंट खोलते अच्छी अच्छी कंपनी होगी, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास पासबुक होनी चाहिए, तभी आप अकाउंट खोल लेते, तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते। दोस्तों, हम जिस कंपनी का आज हम एनालाइज करेंगे उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसका मार्केट कैप्चर, उसका सीजीआर, जो पिछले सालों में इसने क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे। इस कंपनी ने 1976 से शुरुआत की थी। दोस्तों, कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। जिसका बिजनेस देखे, बिजनेस बहुत जबरदस्त है इसका। दोस्तों, इसका कपड़े का बिजनेस है, रस्सियों का बिजनेस है, और ये जो नेट बनाती है नेट का बिजनेस है, और जो मछली पकड़ने का जाल होता है उसका बिजनेस है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर का जो नेट होता है उसको उसका बिजनेस है, जो ये बोरी इसमें आटा आता है या चावल आता है या गेहूं आता है उसका बिजनेस करती है, बैग बनाती है, जो जूते का धागा होता है ये कंपनी बनाती है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जो देखा जाए तो इस कंपनी का। इसके प्लांट पूना में इसके प्लांट है, जो मछली पकड़ने का जाल है पूना में, ये मछली पकड़ने जाल का प्लांट है इसका। उसके बाद देखो, कंपनी हर बार तरक्की कर रही है, जब भी इसने मौका मिला है हर बार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, कंपनी का नाम है ग्वारे टेक्नोलॉजी फाइसवर। दोस्तों देखो, बिजनेस बहुत ही लो से लेके ऊपर तक लेके गई है। पहले सिर्फ जाल जाल बना रही थी मछली पकड़, फिर से अपने बिजनेस को साल दर साल बढ़ाया, अपने बिजनेस को मतलब हर बार बढ़ाया है। इसका मार्केट कैप्चर 7,618 करोड़ है, जो स्टॉक व्यू है 47.3, जो बुक वैल्यू है 471, और जो आरओसी है 22.9, जो आरओई है 18.3, और जो ये डिविडेंड दे रही है 0.19% का डिविडेंड दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू है 10। कंपाउंड एंड सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की, जिसने पिछले सालों में क्या किया दोस्तों, 10 साल में 8% और 5 साल में 7% और 3 साल में 5% कंपनी ने ग्रोथ किया सेल में। और जो इसका प्रॉफिट में सेल देखें, 10 साल में 21%, 5 साल में 14% और 3 साल में 11% कंपनी की प्रॉफिट हुआ है। और जो इसका सीजीआर बहुत अच्छा बढ़ा है कंपनी का, 10 साल में 53%, 5 साल में 32% और 3 साल में 50% कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। और जो कंपनी के पास रिजर्व पैसा देख लेते हैं कितना है, रिजर्व है 950 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास, अच्छा रिजर्व है। जिसका बोरिंग है, हर साल इसने अपने बोरिंग को बढ़ाया, कर्जा बढ़ाया, अभी मात्र इस पे 80 करोड़ का कर्जा रह गया कंपनी के पास। जिसका प्रमोटर के पास होल्डिंग देखें, प्रमोटर ने 52.62 की होल्डिंग कर रखी है, उसके बाद एफएल की होल्डिंग है इस पे 7.39 की, जो डीएल की जो होल्डिंग है इसके 5.93 की, और जो पब्लिक के पास होल्डिंग है 34.07 की। वही 2022 में मार्च में रिजल्ट देख लेते हैं, मार्च 2022 में 356 की सेल हुई थी कंपनी को, वही जून में 304 की सेल हुई है कंपनी को। और जो नेट प्रॉफिट देंगे कंपनी का, मार्च में 2022 में 54 करोड़ था, और जो वही जून में 28 करोड़ था। तो कंपनी मोनोपोली कंपनी है कि ये। उसके बाद इसका साल का देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट, 2021 में 1,035 करोड़ था सेल कंपनी की, वही 2022 में 1,189 हो गया। जो नेट प्रॉफिट 2021 में 158 था और 2022 में 165 हो गया। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ रही है कंपनी और सेल भी बढ़ रही है। अब इसका सेल प्राइस चल रहा है 3,621, सेल प्राइस बहुत हाई इसका। और जो 2015 में इसमें 2,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, मात्र सिर्फ 2,00,000 रुपये किसी ने 2015 में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया था, आज उसके पास 2022 में 36,00,000 रुपया हो गया। ये है लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट दोस्तों शेयर मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, 5 साल का रिटर्न रहा इसका 318, और जो 1 साल का रिटर्न रहा इसका 6% का। अगर देखो, जिसने हाई किया 4,000 रुपए के लगभग इसने हाई किया है दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3-4% की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, अपनी रिसर्च करें उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना।